लोकसभा चुनाव -19 की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर। 25 मार्च मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव -19 की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से करें ताकि शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से मतदान कार्य संपन्न हो सके। श्री कुमार सोमवार को जोधपुर कलेक्टर सभागार में संभाग के जिला कलेक्टर्स, पुलिस आयुक्त जोधपुर, आईजी पुलिस के साथ निष्पक्ष मतदान की सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता जागरूकता व अधिकाधिक मतदाता बढ़ाने के लिए अब तक हुई संतोषपूर्ण स्वीप गतिविधियों की नियमितता हर स्तर पर हर माध्यम का उपयोग करते हुए करनी है। एमसीसी में प्रभावी व नियमित कार्यवाही हो तथा पाबंद भी करें। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को विशेष निर्देश दिए कि अपने संबंधित अधिकारियों को लगातार अपडेट रखें। एएमएफ की कार्यवाही के तहत भी अस्थायी रूप से विभिन्न कनेक्शन आदि की माकूल व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों में छाया पानी की व्यवस्था एकदम सही रहे तथा मतदाताओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। उन्होंने निष्पक्षता के साथ कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि अगले 1.5 माह की सजगता व कार्यविधि से हम बेहतरीन परिणाम दे पाएंगे। उन्होंने खास तौर पर बल दिया कि आम चुनाव संबंधी सभी लिटरेचर अपडेट्स बार बार पढ़े ताकि तुरंत सभी जानकारियां उपलब्ध करवा सके। दिव्यांग मतदाताओं को घड़ी से लाकर मतदान करवाने तक ट्रांसपोर्ट सहित सभी सुविधाएं पूर्णतः सुनिश्चित होने चाहिए। उन्होंने कानून व शांति व्यवस्था के लिए भी पूरी समीक्षा की तथा लोकसभा चुनाव -19 में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने महिला बूथ को पूरी तरह से सजावटी बनाए पर उसको कोई विशेष नाम नहीं दें। डीजी कानून व शांति व्यवस्था ने समीक्षा की। महानिदेशक कानून व शांति व्यवस्था श्री मोहनलाल लाठर ने संभाग के आईजी पुलिस व सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ एवं सब जिलों के पुलिस अधीक्षकों से अब तक लोकसभा चुनाव की कानून शांति व्यवस्था की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों से अगले 1.5 माह कानून व शांति के तहत लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी संबंधित कार्य लंबित नहीं रहने पाए तथा कोई भी कानून शांति व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को पाबंद भी करें तथा नियमित रूप से चिन्हित करके उसको पाबंद रखें। विशेष रूप से अवैध हथियार, अवैध शराब बिक्री को लगातार चिन्हित करते रहे। असामाजिक तत्वों व गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। संभावित अपराध व संगठित अपराध रोकने के प्रति निरंतर सजग रहें। जिन जिलों में इंटर और स्टेट बॉर्डर है वहां भी लगातार जांच करें व सीसीटीवी लगाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित रखें। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट में भी नियमित कार्यवाही पर बल दिया। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से विस्तार से समीक्षा की तथा लोकसभा चुनाव में विस्तार से शांति व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही पर भी बल दिया। एडीजे पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरलेस ने निर्देश दिए। सहायक पुलिस महानिदेशक टेलीकम्युनिकेशन एवं वायरलेस श्री अमृत कलश ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों व अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के संबंध में सभी जिले अपने डार्क जोन के बारे में पुनर्मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की चुनाव संबंधी वायलेंस नहीं हो। पुलिस आईजी श्री सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाग व जोधपुर जिले की कानून व शांति व्यवस्था संबंधी पूरी जानकारी प्रदान की। बैठक में संभागीय आयुक्त श्री बीएल कोठारी भी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर जोधपुर सहित सभी ने पूरी जानकारियां प्रदान की। जिला कलेक्टर जोधपुर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने जिले में 18-19 वर्ष के मतदाताओं व स्वीप गतिविधियों में एपिक कार्ड वितरण, नाम जुड़वाने की नियमित प्रक्रिया, कंट्रोल रूम व 1950 पर कॉल की माकूल व्यवस्था व अपडेटेशन के साथ ही नियमित सभी व्यवस्थाएं व शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान की पूर्ण तैयारियों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला कलेक्टर जैसलमेर नमित मेहता
जिला कलेक्टर बाड़मेर श्री हिमांशु गुप्ता, जिला कलेक्टर जालौर श्री महेंद्र सोनी, जिला कलेक्टर सिरोही SS सोलंकी व जिला कलेक्टर पाली श्री दिनेश चंद जैन ने भी आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत की। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री राहुल बारेठ, श्री धमेंद्र सिंह DCP ईस्ट, मोनिका सेन DCP वेस्ट, राशि डोगरा SP बाड़मेर, डॉक्टर किरण खंक SP जैसलमेर, कल्याण मेल SP सिरोही, आनंद शर्मा SP पाली, केश सिंह SP जालौर के अलावा विभिन्न जिलों के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत की।